हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है कॉन्करर रैंक पुश गेम प्ले में। तो भाई लोग, आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो भाई। और आप लोग रैंक पुश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कौन से रैंक पे हो, कौन से टायर पे हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना भाई लोग। और यहाँ पर भाई साहब, यहाँ जोन कट चुका था तो मैं जोन के लिए निकलने के लिए यहाँ पे भाई थोड़ा सा हील बूस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 37 बंदे बचे हुए थे, छोटे से जोन बन चुका था तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ आसपास और फिर मैं अपने जोन के लिए निकलने के लिए पूरा हील बूस्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं गाड़ी ले कर निकलता हूँ जोन के लिए। जोन के लिए जब रास्ते में जा रहा हूँ भाई, बंदे आसपास सारे रोटेशन दे रहे हैं। यहाँ पे मेरे को एक खुले में एक बंदा स्पॉट हो जाता है, लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा स्प्रे लूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ फिर भाई खामोखा क्यों फाइट लेना है यहाँ पे, फिर निकल जाता हूँ। लेकिन बंदा मेरे पे थोड़ा सा शॉट लेता है, और जोन के लिए निकल जाता हूँ। जोन के निकलते टाइम भाई मेरे को पता नहीं लग रहा था किधर जाए। यहाँ पे भाई गाड़ी में गाड़ी टक्कर हो गई और यहाँ पे सोचा मैं थोड़ा फाइट में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फिर सोचा भाई अगर खामोखा मर गया यहाँ पे तो माइनस लग जाएगा, लेकिन उस माइनस को बचाते हुए मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और जोन में इंटर करने का कोशिश करता हूँ, कैसे भी करके जोन में एंट्री मिल जाए। यहाँ पर गाड़ी तो ठुक जाती है भाई, मोबाइल इतना लैग कर रहा था मेरा, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे रिकॉर्डिंग में जब इतना लैग कर रहा है तो जो वहाँ पे कितना लैग कर रहा था मेरे पास। खैर जो भी हो, यहाँ पे मैं रोटेशन देते हुए यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह लगा, मेरे को नीचे पानी में स्पॉट हो जाता है बंदा। थोड़ा डैमेज दिया मैं इसे, थोड़ा डैमेज दिया, मेरे को लगा अंदर लगा है तो अंदर नहीं लाएगा डैमेज, लेकिन डैमेज लग गया इसे, फिर इजीली इसे फिनिश कर दिया। फिर मैं सोचता हूँ आगे का सेफ रहेगा, लेकिन बंदा एक और बंदा था जो पानी में था वहाँ आगे सामने राइट साइड से एक स्मोक कर लेता हूँ, क्योंकि राइट में भी बंदे सारे थे फाइट करते हुए। और ये बंदा भी मेरे को दिख जाता है फिर बाहर निकलते हुए, तो फिर इसे भी फिनिश कर देता हूँ। आगे देख लेता हूँ कि कोई भी बंदा है कि नहीं, स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। पीछे वाला जोन में तो नहीं था, तो उन लोगों को भी जोन में आना था, इसलिए मैंने पीछे की तरफ स्मोक कर लिया था ताकि अपने को भी बचा सकूँ और बंदे को भी देख सकूँ। थोड़ा आगे जाता हूँ, जोन में नहीं था, थोड़ा जोन आगे बन गया था तो थोड़ा जोन में जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे देख रहा था जो आसपास कोई बंदा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आसपास कोई बंदा रहता नहीं है, तो यहाँ पे मैं गाड़ी लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा भी कवर बन जाए और गाड़ी भी ठीक से लग जाए। लेकिन मैं ज़्यादा घुमाते घुमाते इतना टाइम वेस्ट मत कर देना ताकि तुम्हें भी कहीं से गोली पड़ जाए। यहाँ पे लगा रहा था गाड़ी, जो किस एंगल से लगाऊँ ताकि मेरे को पीछे से भी ना पड़े। फिर यहाँ पे लगा के मैं लेट जाता हूँ और सामने देखता हूँ ब्रिज पे कोई बंदा तो नहीं है, लेकिन सामने की तरफ फाइट आता है तो समझो वहाँ पे बंदा रहता है। और पीछे वाला को जोन में आना था तो मैं इंतज़ार कर रहा था बस कब जोन में आएगा पीछे वाला, जो उसे इजीली धरूंगा। तो आगे देख रहे हो भाई गाड़ी का एकदम फाइट, सामने बंदा आ रहा था गाड़ी से, वो बंदा को तो नहीं लगा, उस पर स्प्रे लेते लेते मैं पीछे वाले को स्प्रे दे दिया था तो थोड़ा वो डैमेज भी हो चुका था। और मेरे को लग रहा था जो बंदा बाहर निकलेगा पानी से तो मेरे को दे देगा, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्मोक कर लेता हूँ। और वो बंदा सामने से जोन से जोन में आने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे मैं इजीली ख़त्म कर देता हूँ, काहे कि वो पहले से भी डैमेज था। और ये इस बंदे को मैं देखता हूँ किधर गया, पानी में से कहीं निकल के मेरे को ना दे दे, लेकिन ये जोन से ही फिनिश हो जाता है।
मैं इधर देख लेता हूँ, थोड़ा सा लूटपाट कर लेता हूँ पेटी से, क्योंकि मेरे पास हील वगैरह नहीं थी। थोड़े हील उठा लेता हूँ और थोड़ा स्मोक वगैरह उठा लेता हूँ ताकि स्मोक का ये काम आए। एमओ की तो उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन हील तो और स्मोक तो उठाना ज़रूरी पड़ता है। कभी भी स्मोक और हील हमेशा रखना, ना हो सके तो जोन के बाहर भी अगर ट्राई करोगे तो हील बैटल के लिए काम आ जाती है। थोड़ा बूस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को भी जोन के आगे निकलना था। सामने की तरफ तो बंदा रहता है, मैं देखता हूँ बग्गी के पास जाने की, क्योंकि वहाँ पे बंदा तो दिख नहीं रहा, लेकिन उसके साइड सामने बंदा रहता है। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ यहाँ पे भी गाड़ी लगाने का अच्छा से, ताकि मेरे को ना पड़े इधर से। भाई यहाँ पे तो बंदा जा रहा था, लेकिन इसका पता नहीं भाई कौन सा बस पे चढ़ के ये जा रहा था। कि ऐसा ग्लिच किस किस के पास हुआ है भाई, कमेंट बॉक्स में बता देना ज़रूर से। मैं तो आगे बंदा स्पॉट हुआ था, ले मैं सोचा नेट करता हूँ, लेकिन मेरे को लेफ्ट से पड़ गया और डैमेज भी पड़ गया। मेरे को लगा हील कर लेता हूँ, पहले स्मोक करूँगा, क्योंकि यहाँ पर स्मोक नहीं किया तो भाई उधर से नेट तो ज़रूर आएगा, और इजीली एक नेट भी आता है। लेकिन मैं थोड़ा सा एकदम 1 HP समझ जाओ, एक तरह से 20% बचा हुआ था, बूस्टिंग के वजह से मैं बच गया, वरना मैं जाता थोड़ा पीछे आके फिर हीलिंग करने का टाइम। लेकिन मेरे पास सिर्फ बैंडेज ही बचा हुआ था, और यहाँ पे हील करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बंदा प्रोन हो रहा था। अब प्रोन यहाँ पे हो भी नहीं पा रहा था, तो कैसे भी करके मैंने यहाँ पे स्मोक वगैरह करके हील किया। यहाँ पे तो नेट बाजी चल रही है भाई साहब, कतई जहर वाली, सारे बंदे नेट से ही जा रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे गाड़ी पे आके लेट जाता हूँ, देखता हूँ उसको स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बंदा पिक नहीं देता है, तो स्मोक थोड़ा करके जोन में निकलने का कोशिश करता हूँ। जोन पास में ही था तो थोड़ा स्मोक वगैरह कर लेता हूँ, ताकि जोन में जा सकूँ और मेरे पे कोई शॉट ना ले। मैं कोशिश करता हूँ देखने का कि वो बंदा बाहर निकलता है कि नहीं, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं होता इधर की तरफ, क्योंकि वो जोन में था। अब उसे भी जोन से बाहर आना था, तो मैं यहाँ पे सोचा ये खाली जगह यहाँ पे कवर बन जाएगा, लेकिन गाड़ी गलत जगह से ठोक दी मैंने। थोड़ा सा और ठोकता इधर लेफ्ट की तरफ तो बच जाता मैं यहाँ पे। सामने फाइट चल रही थी, अगर वहाँ से भी स्पॉट किया जाता तो मैं जा, लेकिन पीछे से एक बंदा आता था और यहाँ पे मैं गलती कर बैठा, मेरा एम चोक हो गया और यहाँ पे 24 का प्लस मिल गया मेरे को एस पे। तो सब्सक्राइब कर देना भाई।